नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला को बनाया ठगी का शिकार। महिला को बेहोश कर अज्ञात बदमाश सोने के आभूषण व नकदी सहित मोबाइल लेकर हुए फरार। दवा लेने आई महिला को बदमाशों ने ठगी का शिकार बनाया। सोने की चैन, मंगलसूत्र, नकदी सहित मोबाइल लेकर बदमाश फरार हो गए। बेहोशी की हालत में मिली महिला को पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी मार्केट की घटना। समाचार डिजाइट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। ये महिला जो है, जिनको बेहोशी की हालत में मिली थी, कहाँ मिली थी, क्या घटना हुई इनके साथ, बदमाश क्या ले गए इनसे? ये दीप हॉस्पिटल अपनी दवाई लेने के लिए गई थी, उधर से ये ट्री में बैठी हैं और इनके साथ में बीच में बैठा लिया है। इनके साथ एक बच्चा था छोटा, एक साल का, बीच में बैठा लिया है। दो लोग संदिग्ध आए जो दोनों साइड से बैठ गए और इनके मुंह पर रुमाल रखा है और वहाँ से इनको रामलीला ग्राउंड पर छोड़ दिया है। वहाँ से ये सदर कोतवाली गई हैं, वहाँ जा कर के ये बेहोशी स्थिति में गिर पड़ी हैं। वहाँ से पुलिस प्रशासन, अस्पताल। क्या क्या गया है इनसे, क्या लूटा गया है? इनके पास कानों में कुंडल थे पहने हुए और मंगलसूत्र था और कुछ नकदी जो दवाई लेने के लिए गई थी और एंड्रॉयड मोबाइल सेट था। अब हालत कैसी है इनकी? अभी डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन ट्रीटमेंट लगा दिया है, अभी बता रही हैं जितना बताया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग कितने पैसे बताएं, कुछ मालूम है? लगभग अभी बता देंगी, लगभग कुछ नकदी थी। क्या नाम है?